अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारी 8th की साइंस में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हमने लास्ट क्लास में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में दो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। एक थी मैलेबिलिटी और दूसरी थी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो बाकी की जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों तक बिजली आती है, ये बिजली की तारों के ज़रिए आती है जो खंभों के साथ बंधी होती हैं, एल्युमिनियम वायर्स, और फिर हमारे घरों में भी तारों का इस्तेमाल होता है जो कॉपर वायर्स होती हैं फिटिंग में। तो ये जो मेटल्स हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी है कि इनसे हम तार बना सकते हैं, यानी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी, यानी वो प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए हम मेटल से तारें बना सकें, इसे क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू The property of a metal by which it can be drawn into wires is called ductility। यानी वो प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए हम किसी मेटल से तार बना सकें, उस प्रॉपर्टी को ductility कहा जाता है। तो ये सिर्फ मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स जो हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो इसलिए हम कहते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, वायरस मेटल्स आर डक्टाइल। तो उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसे हम कहते हैं सोनोरिटी। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग इन आयरन शीट प्लेट ए मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? इफ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। क्या आपने कभी जो किसी मेटल शीट या मेटल की प्लेट या मेटल कॉइन जो होता है, वो अगर ज़मीन पे गिरता है या कोयले का एक टुकड़ा गिरता है, उनमें जो आवाज़ पैदा होती है, कभी उसमें आपने डिफरेंस देखा, कभी उसमें आपने फ़र्क देखा? अगर नहीं देखा है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो अगर हम ट्राई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हाथ में एक कॉइन है 5 रुपए का या 1 रुपए का, तो वो होता है स्टील का बना हुआ होता है, तो वो कॉइन या 10 रुपए का जो कॉइन आता है वो होता है इसका कॉपर का। अगर हम वो कॉइन नीचे फेंकते हैं हाथ से, तो उससे एक आवाज़ निकलती है जिसमें वेव्स होती हैं। इसी तरह अगर टीन शीट हमारे हाथ से गिर जाती है या कोई बर्तन गिरता है, तो उसमें से भी एक रिंगिंग साउंड निकलती है, एक ऐसी साउंड जो बजती जाती है। तो इस किस्म की साउंड अगर हम कोयले का कोई टुकड़ा फेंकें हाथ से नीचे गिराएं या पत्थर गिराएं या लकड़ी का कोई टुकड़ा, क्या उससे भी इस किस्म की साउंड निकलेगी? बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो आपने देखा होगा हमारे स्कूल में जब हम घंटी बजाते हैं, घंटी को अगर हम एक बार उस पर हथौड़ा मारते हैं तो कितनी लंबी आवाज़ निकलती है, उसमें टाइम होता रहता है। तो घंटी जो होती है हमेशा मेटल की होती है, उसके बनिस्बत आपने कभी देखा है क्या लकड़ी की घंटी होती है? नहीं होती, क्योंकि अगर आप लकड़ी का कोई टुकड़ा है उस पर हथौड़ा मारेंगे तो उससे बिल्कुल हल्की सी आवाज़ निकलेगी, वो रिंगिंग साउंड नहीं निकलेगी। तो ये जो रिंगिंग साउंड निकलती हैं मेटल से, तो ये क्या होती है, इसे कहते हैं सोनोरिटी। ये सोनोरिटी जो है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स में होती है। यानी जब हम मेटल्स के कोई पतली शीट हो या कॉइन हो, उस पर हम ज़ोर से मारेंगे तो वहाँ से रिंगिंग साउंड निकलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो
मेटल्स हैं ये सोनोरस होते हैं और इसके बरक्स जो है नॉन मेटल्स वो सोनोरस नहीं होते। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी हमने इन एक्टिविटीज़ से देखा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की जैसे हार्डनेस लस्ट्रस मेलेबल डक्टाइल सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब मेटल्स में पाई जाती हैं। और ये जो मटेरियल्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है उनको हम मेटल्स कहते हैं। और उसकी मिसाल हैं हमारे पास आयरन कॉपर अल्मोनियम कैल्शियम मैग्नीशियम एट्सट्रा। और उसके बरक्स कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी जो हैं वो नहीं होती हैं जो हमने डिस्कस की जैसे हार्ड लस्ट्रस मैलेबल डक्टाइल सोनरस और गुड कंडक्टर्स वो नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या हीट के, उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। और उनकी मिसाल है हमारे पास कार्बन है हमारे पास सल्फर है या हमारी जो गैसेस हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह वो सब क्या हैं वो नॉन मेटल्स हैं। अच्छा इसमें से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया कि मेटल्स हार्ड होते हैं मगर कुछ मेटल्स हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम ये बहुत सॉफ्ट होते हैं बहुत जो है ये हार्ड नहीं होते इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम चाकू से इनके पीसेस भी बना सकते हैं पीसेस काट सकते हैं। उसके अलावा एक मेटल है जिसे मरकरी कहते हैं वो वाहिद मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में यानी रूम टेम्परेचर जो होता है या नॉर्मल टेम्परेचर हम कहें नॉर्मल टेम्परेचर में ये जो मरकरी है ये दुनिया की वाहिद मेटल है अकेली मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो उसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड हैं कोई भी मेटल गैस फॉर्म में नहीं है। तो ये थी हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इन फॉर टुडे।